हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी और सामने आपके खड़ी है हुंडे ग्रैंड आइटन नियोस की बेस से एक ऊपर वाली वेरिएंट। बेस वेरिएंट आती है एरा करके, उसके ऊपर जाते हो तो आती है आपकी मैग्ना करके। अब काफ़ी सारे ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें भाई बेस वेरिएंट से थोड़ी फीचर्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो मैक्सिमम जो बंदे होते हैं ना वो चले जाते हैं इसी मैग्ना वाली वेरिएंट की तरफ, क्योंकि इसमें आपको रोज़मर्रे यानी डेली यूज़ लाइक जो भी फीचर्स है वो हुंडई वाले भाई लगा करके दे देते हैं। वैसे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट कहा जाता है ना वो कहा जाता है भाई इस स्पोर्ट वाली वेरिएंट को, तो इसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो देखने को मिल जाएगी और साथ में तीसरी वीडियो आपको कॉम्पेयर टाइप की मिलेगी। बट चलो इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ प्राइस की बात कर लेते हैं भाई, क्या प्राइस पड़ती है इसकी आपको। तो देखो मैग्ना आप लेने जाते हो तो इसके लिए आपको एक शोरूम देने पड़ते हैं 662,000 रुपये और ऑन रोड 771,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो अब क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं वो देखते हैं। तो फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको नॉर्मल हैलोजन रिफ्लेक्टर वाला हेडलैम्प मिल जाता है, इंडिकेटर भी आपको नॉर्मल हैलोजन रिफ्लेक्टर वाला मिलता है, लेकिन एक चीज़ काफ़ी सही है कि यहाँ पर आपको DRL बेस से एक ऊपर वाली वेरिएंट में ही मिल जाते हैं, LED वाली है यानी टॉप वेरिएंट वाला सेम चीज़ आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है और फ्रंट जो ग्रिल है ये मिलता है पियानो ब्लैक कलर का, मतलब दिखने में वाइट के ऊपर जो पियानो ब्लैक कलर होता है मतलब मैट से एक अलग लेवल का है, मैट रहता तो उतना कोई ख़ास लगता नहीं। साइड फेंडर के ऊपर इंडिकेटर मिल जाएंगे, नॉर्मल हैलोजन वाले हैं और साथ में आपको टायर जो है ये मिलता है भाई 14 इंच का 165/70R14, ये चीज़ हो गया। इंडिकेटर आपको इस जगह नहीं मिलते हैं, इसके एक ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे तो आपको ORVM के ऊपर वो इंडिकेटर मिल जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस 165mm का मिल जाता है, तो ठीक ठाक है इस सेगमेंट के हिसाब से भाई। डोर के ऊपर यानी ड्राइवर साइड हैंडल इन सब के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर वाली कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन इसमें जो आपको चाबी मिलने वाले हैं वो रिमोट के मिलेंगे, थोड़ी देर में वो चीज़ भी दिखाएंगे। यहाँ पर G-ITEN लिखा हुआ मिल जाता है और रियर साइड में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलेगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाएगा, नॉर्मल वाले आपको एंटीना मिल जाएंगे, रूफ रेस जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। अब पीछे साइड आते हो तो भाई वही सेम टॉप मॉडल वाला टेल लैंप आपको इसमें भी मिल जाता है, कनेक्टिंग वाला है जो इतना सा अपना जलता है, इंडिकेटर नॉर्मल हैलोजन वाला और रिवर्स लाइट है, ये चीज़ भी नॉर्मल अपना हैलोजन वाला मिलता है। रियर साइड में दो आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, नियोस लिखा हुआ यहाँ पर आएगा, हुंडई का लोगो मिल जाएगा और ग्रैंड आइटन लिखा हुआ यहाँ पर आ जाता है, मैग्ना एरा ये सारे जो वेरिएंट है वो लिखे हुए नहीं मिलेंगे। जब आप इसके स्पोर्ट वाली वेरिएंट पर जाओगे तो वहाँ से स्पोर्ट का बैज मिलने लगता है। ये हो गया अपना मैट ब्लैक कलर का, नीचे साइड में स्किड प्लेट और रियर साइड में आपको ना ही वाइपर मिलते हैं ना ही डिफॉगर मिलते हैं, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप ज़रूर मिल जाते हैं। बूट स्पेस 260 लीटर का मिलता है, अच्छा खासा यानी गाड़ी की जो साइज़ वाइज है ना उसके हिसाब से बूट स्पेस सही मिलता है। पीछे साइड वाला जो सीट है ये पूरा फोल्ड होता है, 60-40 में फोल्ड अनफोल्ड सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन भाई देख रहे हो डेली यूज़ वाली चीज़ जो आपको बता रहा ना वो देखो, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए। अंदर साइड में बूट लैंप भी नहीं मिलेंगे और ना हुक्स वुक्स मिलते हैं, स्पेयर टायर बेसक से आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो बाहर साइड से कुछ ऐसा सा चीज़ मिलता है। टैंक कैपेसिटी 37 लीटर का मिलेगा और CNG का भी ऑप्शन आता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे और CNG में जो है बूट स्पेस के आप मज़े नहीं ले पाओगे, वो जो है ना कहीं कमी भाई रह जाती है। अब आ जाओ इंटीरियर में दिखाते हैं। तो ये है अपना इसका कुछ चाबी, ऐसा सा फ़िलिप की वाला आपको चाबी मिलेगा एक, और दूसरा जो चाबी मिलने वाला है वो अपना कुछ ऐसा सा सिंपल सा मिलने वाला है। टोटल ना इसमें 3 बटन्स मिल जाते हैं, आपको गाड़ी लॉक करना है, गाड़ी आपको अनलॉक करना है और साथ में होल्ड रखते हो तो टेलगेट आपकी अनलॉक हो जाती है। इसे ऐसे लगा दो वापस से इस जगह और हज़ार लाइट भाई इसका कर दो बंद। ORVM आपके फोल्ड अनफोल्ड हाथ से होंगे यानी मैनुअल होते हैं, ये देख लो कुछ ऐसा सा सिस्टम मिलेगा, लेकिन भाई एडजस्ट जो है ये ना भाई हुंडई वाले यार इलेक्ट्रिक वाले दे देते हैं, मतलब इनकी ऑरा भी आप देख लो, चाहे आप ग्रैंड आइटन नियोस देख लो, इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है तो ये झंझट आपका ख़त्म हो जाता है। वन टच डाउन मिल जा रहा है, मतलब देख रहे हो फीचर्स,
भाई वन टच अप बेशक से ना मिले बट वन टच डाउन वाला सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रैब करने के लिए स्पेस, कॉइन वाइन रख लो, बोतल होल्डर और स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं। और हाइट एडजस्टमेंट वाले जो सिस्टम है भाई वो चीज़ भी आपको इस वाली वेरियंट में मिल जाता है। फ्यूल लिड ओपन करना है, उसके कंट्रोल यहाँ पर यानी लीवर मिलते हैं। भाई कहाँ ना यार, इसके फीचर्स जो है ना आपको काफ़ी सही मिलते हैं, मतलब बेस से एक ऊपर वाला वेरियंट है। 7.5 लाख रुपया लगभग इसका प्राइस है, 770, मतलब भाई उस हिसाब से सही है। हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल हो गए, हेडलैम्प का कंट्रोल मैनुअल वाला मिल जाता है और साथ में वाइपर का कंट्रोल भी आपको मैनुअल वाला मिलता है। और यहाँ पर आपको इसकी जो एडजस्टमेंट है ना ये अपना सिर्फ टिल्ट में होता है, यानी टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट होगा नहीं। और ये जो आप देख रहे हो इंफोटेनमेंट सिस्टम भाई 2D वाला है। इसके ऊपर वाले वेरियंट में जाओगे तो वहाँ से आपको टच स्क्रीन मिलने लगेगा, इसमें आपका ब्लूटूथ हो गया, FM हो गया, ये सारा जो भी फीचर्स है वो जाता है मिल। नीचे साइड में मैनुअल AC का कंट्रोल मिलता है और नीचे साइड भाई चार्जिंग सॉकेट का लाइन लगा हुआ है, एक टाइप सी मिल जा रहा है, दूसरा USB मिल जा रहा है, एक 12 वोल्ट 120 वाट वाला मिल जा रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेस जाता है मिल, यानी मोबाइल रखने के लिए। बोतल होल्डर यहाँ पर 2 मिल गए, सनग्लास होल्डर कह सकते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप उसे यूज़ में ले सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक हो गया और इस जगह आपको मिलता है मैनुअल IRVM। वैनिटी मिरर नहीं मिलते हैं भाई आपको, और ना ओ भाई इस साइड मिल जा रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं था कि इस साइड मिलेंगे लेकिन आपको इस साइड ये चीज़ मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स की जहाँ तक बात है तो ये आपको कूल्ड वाले नहीं मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो देखो स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, वहाँ वहाँ, और डैशबोर्ड टोटल आपको हार्ड प्लास्टिक वाला मिलेगा। तो कुछ ऐसा सा जो सिस्टम है भाई आपको फ्रंट वाली ड्राइवर वाली सीट से मिलता है। एक चीज़ तो भाई दिखाना रह गया यार, यहाँ देख रहे हो, अंदर देख रहे हो भाई, भाई एम्बियंट लाइट भी मिल जाती है यार, बेस से एक ऊपर वाली वेरियंट में कंपनी वाले दे देते हैं। ड्राइवर साइड भी जलता है, पता नहीं को पैसेंजर साइड जलता है या नहीं जलता, इस साइड तो भाई अंधेरा सा हो रखा है। हाँ हाँ यहाँ पर भी जलता है, ये आप देखो यहाँ पर भी जल जाता है। तो भाई सही है यार, 770,000 रुपये में आप ये गाड़ी लेते हो तो फीचर्स मिल जाते हैं। फिर वहीं कहीं ना कहीं आपका दिमाग इस गाड़ी को छोड़कर उसकी तरफ चल जाएगा, क्योंकि थोड़े और पैसे दोगे ना तो और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएगा। तो भाई वही वाला बात है, कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। डोर लीवर हो गया, विंडो का कंट्रोल हो गया, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, टोटल चारों डोर्स के ऊपर 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। और हेडरेस्ट जो है ना फ्रंट वाला ये एडजस्टेबल नहीं है, और ना ही सीट बेल्ट आपको एडजस्टेबल मिलता है, लेकिन एयर बैग्स आपको टोटल 4 मिलते हैं भाई। AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, इसके फ़ैन के स्पीड कम ज़्यादा करना उसके भी कंट्रोल मिल जाएंगे, 12 वोल्ट 120 वोल्ट का एक और चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। तो कहा ना, मतलब डेली यूज़ में जितने भी आपको फीचर्स चाहिए, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, बिजनेस पर्पज से दुकान जाना है, भाई वाइफ को देना है तो वाइफ के लिए भी एक नंबर गाड़ी है ये। 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये चीज़ तो आपको बता ही दिया, और आर्मरेस्ट नहीं मिलेंगे। रीडिंग लैंप जो है ये आपको मिलते हैं नॉर्मल हैलोजन वाले, यहीं पर से आपके फ्रंट वाले भी काम चला लें और रियर में यहाँ वाले भी काम चला लें। मैगजीन होल्डर इस साइड मिल जाता है लेकिन इस साइड आपको नहीं मिलेगा। तो भाई मोटा मोटी फीचर्स इतना सा मिलता है। अब आ जाओ बात हो जाती है थोड़ी इंजन को लेकर, भाई इंजन क्या पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये है अपना इंजन, हुंडई वालों का के सीरीज वाला जो काफ़ी मशहूर इंजन है यार, 1.2 लीटर का और 4 सिलेंडर है। ये देखो 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, 93 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है और माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ऊपर साइड में आपको पैडिंग नहीं मिलती है, यानी कोई भी कवरिंग जैसी जो चीज़ है वो नहीं मिलेगी। तो भाई मोटा मोटी इतना सा फीचर्स आपको हुंडई वाले देते हैं इस ग्रैंड आइटन नियोस के मैग्ना वाले वेरिएंट में, 770,000 रुपये आप इन्हें देते हो। तो आप बताओ इस प्राइस पॉइंट पर आपको ये गाड़ी कैसी लगती है, या फिर इसके अलावा आप किसे और देखना चाहोगे। मुझे लगता है कि भाई स्विफ्ट का जो कोई भी मॉडल ले रहे हो ना, बेस मॉडल, उन सबसे सही है यार ये वाला भी ले सकते हो। हालांकि दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी, बट फिर भी भाई कम्पिटिट कर देगी इस गाड़ी को। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ, बी सेफ।